जलता है मेरी सब्जी जल गई है पूरी। जुल घटका होटला चना पकौड़ी। लोग गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं यहाँ वहाँ, घूम रहे भैया, मजे ले रहे हैं, और हम घर में सब्जी बना रहे हैं घर वालों के लिए। तो ये देखो भाई, ये है अपने चने, ये बहुत है चने, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब चने देखो बहुत है, मतलब चने, ठीक है। और ये रहे अपने आलू, ये प्याज, ये लहसुन, ये टमाटर तो मैंने काट के रख दिया अभी अभी जस्ट, तो चलो अब मैं इनको बनाता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है बनने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज घर पे कोई नहीं है, वैसे भी शाम को कोई नहीं होता है, और मैंने कटा लिया है दाढ़ी मूछ, लग रहा हूँ मैं बिल्कुल ही, समझ रहे हो, वैसा लग रहा हूँ मैं, है ना। तो शाम हो गई है तो अब खाना बनाना है मुझे। अदरक सब कुछ है, अदरक यार, लहसुन, प्याज, टमाटर, और यहाँ पे है चने। तो मुझे कमेंट में बताना भाई, कौन कौन तुमने से घर में खाना बनाता है, कौन कौन मतलब खाना बनाते हैं तुम्हें से, इतना भी बनाना पड़ता है भाई सुबह शाम। तो फिर आज बनेगी चना पकौड़ी, जो घटा का होटल में चना पकौड़ी, घर अभी तेरी रखड़ी। पर अपन ने तो शादी नहीं करी, तो खाई की रखौड़ी, क्योंकि अपने पास शादी वादी नहीं बनी। शादी है बर्बादी, क्या शादी है बर्बादी, इसीलिए नहीं बनी है शादी। मैं ये बहुत तेज तो कटिंग करता हूँ, कोशिश तेज तेज, मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ कि मेरा फेस आए, पर मेरा फेस देखने लायक ही नहीं। क्या देखोगे मेरा फेस, फेस बिल्कुल ही खत्म है मेरा, मत देखो भाई, अच्छा ही नहीं लग रहा फेस मेरा। तो कटिंग कटा था, सब्जी बनाऊंगा भैया, भरवा बिखरी है, वरना हमारे बादाम तोड़ दिए जाएंगे, समझ रहे हो, कच्चा बादाम भैया, पक्का बादाम। ये मेरे आँख में मिर्च चली गई, आँख में प्याज चला गया, मतलब आंसू आ गए यार, प्याज के चक्कर में। ये यार मेरी आँख, भाई प्याज काटते समय ना आँखों से बड़े तकलीफ, जलन पड़ती है भाई आँखों में। प्याज काटेंगे, दो प्याज काट दिए, दो काटेंगे हम, लाल लाल गोरी गोरी गाल। टोमेटो कुछ ज़्यादा ही पिघल गए हैं फ्रिज में, टमाटर ना फ्रिज में रखे थे, गल गए हैं, ठंड फ्रिज, किसी ने हाई कर दिया, किसी ने फ्रिज को हाई कर दिया, तो थोड़ा सा बाहर हो गया टमाटर, फटाफट दिखाता हूँ मैं, खराब तो नहीं है टमाटर, अच्छा है, हमको लगा खराब है। तो भैया आज बनेंगे पहाड़ी छोले, छोले नहीं सॉरी चने, मैं सोच रहा हूँ इसमें आलू भी डाल दूँ, आलू के साथ मजा आ जाएगा। चलो ये तो हमारी कार्रवाई, टमाटर और प्याज फटाफट, दो सेकंड में, दो मिनट में बच गया लहसुन, यार लहसुन थोड़ा प्रॉब्लम होगा जल्दी छिलने में, सोच रहा हूँ टाइम ना लगूं, फटाफट फटाफट, इतना फटाफट कोई खाना बना के नहीं दिखा पाएगा तुम्हें, देखो टेस्ट टेस्ट जो भी है ये निकला भी है, देखो सोचे भी एक साथ में दिखा रहा हूँ, छिल भी रहा हूँ अभी, और अभी ही काट रहे सब कुछ, अभी ये बंदा है और अभी जल्दी जल्दी तो बात है। और यहाँ पर
हमारा लहसुन कूट चुका है। ये आ गया भैया हमारा लहसुन, ठीक है। ये आ गया लहसुन, मुझे भी आलू काटने एक मिनट पोज कर लेता हूँ। तो मैं ले आया हूँ आलू, लोग घुमा रहे हैं गर्लफ्रेंड, यार लोग यार अपनी गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं और अपने यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं घर में, घर में खाना बना रहे हैं भैया। देखो फटाफट आलू छिले, देख क्या करे भाई, अपनी जिंदगी ऐसी भैया। आज बनाता हूँ आलू और मटर, आलू और मतलब क्या बोलते हैं इसको, चने, आलू और चने की सब्जी बना रहा हूँ आज। तो कल से मैं रोज़ शाम को मतलब जब भी खाना बनाऊँगा तब डेली ब्लॉग डालूँगा, अब से डेली ब्लॉग डालूँगा खाने के, जो जो भी बनाऊँगा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू छील दिए हैं, टमाटर इनको धो लेते हैं, टमाटर को धो दिया है, टमाटर प्याज और लहसुन मिला देते हैं एक साथ में, प्याज खा के देखें, हमारी तो क्या ही बोल रहा है। आलू को छोटे छोटे पीस में कर देता हूँ मैं, पकेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया हम सुबह सुबह उठते ही गाली खाते हैं, हम खाना नहीं खाते, दोपहर में गाली खाते हैं, शाम को भी गाली खाते हैं, रात को भी गाली खाते हैं, तो हमको काम करना बहुत जरूरी है, हम काम नहीं करेंगे तो हम गाली ही खाएंगे। तुम लोग तो भैया लड़िया घुमा रहे होगे, लड़कियों के साथ घूम रहे होगे, हमारा भाई देखिए संस्कारी लड़का, अपन है संस्कारी लड़का, घर पे कोई भी नहीं आज, मम्मी गई है हॉस्पिटल, पापा गए हैं भालू को लेके, और भाई गया है ऑफिस, मतलब ऐसे शाम को हर दिन कोई नहीं रहता है। मैंने सोचा कि अब बनाता हूँ कुछ ना कुछ तो करता हूँ, लाइट भी आ गई, लाइट नहीं थी तो मैं कटिंग करके फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं खाली कटिंग कर रहा हूँ, तो कटिंग के चक्कर में हाथ ना कट जाए मेरा, क्योंकि होगी मेरी कटिंग पूरी। तो गाइस मैंने भी फटाफट कटिंग कर ली है, कटिंग कर ली है पूरी की पूरी, अब मैंने बाहर प्रेशर कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो और ये देखो तुम्हारे भाई ने शॉट शूट, क्या होता है शॉट शूट, देखो क्या ही जल्दी फटाफट सब्जी काट के रख दिया भैया, क्या क्या था ये जो भी है, आलू प्याज लहसुन और टमाटर, ये तो पहले से बॉयल हो चुके, बॉयल इनके पानी में रखे थे सुबह, तो अभी थोड़े से उबल गए, अभी इनको थोड़ा आधे डालूंगा, ये पूरे नहीं डालूंगा, तो चलो इनको बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्याज पक गया है, तो इसमें आलू डाल देता हूँ, आलू थोड़े मोटे हैं ना तो आलू पक जाएंगे पहले से, तो फिर उसके बाद में लास्ट में प्रेशर कुकर में बंद करके सीटी मार देंगे। खोया खोया जो पक दीवाना हुआ, आड़े विशेष को मस्ताना हुआ, प्रेशर कुकर में गिर जाएगा, तो मैंने अच्छे से इसको डाल लिया है, मिक्स कर लिया है, और मसाले डालूंगा थोड़ा सा उसके पकने के बाद, फिर उसके बाद में डालेंगे मसाले भी, चने वाले मसाले डाल के ढक देंगे, ढक देंगे और ढक देते हैं इसको भी,
जा भाई। सब्जी बनाने के चक्कर में परवाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सब्जी बनाई फिर घर वालों को खिलाई, फिर भी गाली पड़ी मुझे गाली पड़ी। बहुत गाली खाता हूँ मुझे शाम तक। तो गाइस जो भी चैनल में नया आएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। अब से अपन डेली डालेंगे भैया आपसे। और देखो ना मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल लग रहा हूँ ना, हाँ वही लगने वाला हूँ जो घड़ी में 15 मिनट बाद, जो घड़ी में जो 15 मिनट बाद बजेगा वही लग रहा हूँ मैं। तो गाइस चलो यार, सब्जी को मैंने रख दिया है, अभी थोड़ी देर आलू को पकने देते हैं, फिर उसके बाद में डालेंगे कुछ उसमें मसाले वसाले। जय हो भोलेनाथ, भोलेनाथ जय हो बम बम भोले। तो गाइस चलो फिर अभी थोड़ी देर वेट करो, फिर दिखाता हूँ आपको। और तो यहाँ पे आलू पक गए हैं हल्के फुल्के, तो मैंने टमाटर डाल दिए है, और अब इसमें डालते हैं इसमें चने, और मैंने हाथ से डाल दिया ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी पड़ जाएगा ना, तो गालियाँ भी पड़ जाएगी, फिर गालियाँ चनों के साथ गालियाँ की कंपनी, चने खेंगे कंपनी, बनाएंगे कंपनी। कितनी मुट्ठी डाल दी मैंने, 3-4। एक और डाल देता हूँ, ज़्यादा डालूंगा क्योंकि कुटाई भी होगी भैया, कितना होगा फिर थोड़ा और डाल देते हैं, वैसे भी तो गाली सुननी है। देखो मस्त लग रहे हैं ना दोस्त, देखो मैं इसको हिलाऊंगा तो मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो गाइस की कुछ इस तरह दिख रहे हैं अपने चने छोले, मतलब यार चने आलू। तो अब मैं इनको पानी डाल के बंद कर दूँगा और ये फिर रेडी हो जाएंगे। तो भाई आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ और लेके, कुछ और बेहतरीन थोड़ी मज़ेदार बातें। तब तक के लिए गुड बाय।